إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر جناب صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما معزز باوقار علماء کرام دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین آج اس عنوان کے تحت آپ لوگوں سے بات کرنی ہے موضوع انتہائی آسان ہے اور اکثر آپ اس تعلق سے بہت ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں موضوع ہے نماز نماز ایک ایسی عبادت ہے قرآن کریم کے اندر تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ جس عبادت کا ذکر کیا گیا وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ رکھی گئی توحید و رسالت کے اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ بتائی ہے تو وہ نماز اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادتوں کو فرض کیا ان ساری عبادتوں کو دنیا کے اندر فرض کیا دنیا کے اندر اتارا زکات حج رمضان کے روزے یہ سب اسی دنیا کے اندر
फर्ज किए गए, लेकिन जब नमाज का मामला आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह ने मुझे आसमानों पर बुलाया। और नमाज एक ऐसी इबादत है जिसको आसमानों पर बुलाकर फर्ज किया गया, आसमानों पर बुलाकर बताया गया कि ये आपके ऊपर इस इबादत को भी फर्ज किया जाता है। नमाज वो इबादत है जिसके बारे में कुरान करीम के अंदर आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अगर हालत सफर में भी हो तब भी नमाज तुम्हारे ऊपर माफ नहीं। वैदा तुम कफी वैदा धरम तुम पिलर से पलई साई तुम जुनाब अंत सुना। अगर तुम हालत सफर में हो, अगर तुम सफर कर रहे हो, नमाज एक ऐसी इबादत है कि इस हालत में भी नमाज माफ नहीं की गई है। अल्लाह फरमाता है फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक्सुरू मिनस्सलाह। ऐ मेरे बंदो, तुम अगर पूरी नमाज नहीं पढ़ सकते तो हम तुम्हें छूट ये दे देते हैं कि सफर की हालत में तुम नमाज को आधा कर लिया करो, यानी जो फर्ज नमाज है चार रकात तुम्हारे ऊपर फर्ज है, उन चार रकात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आधा कर दिया। अब जोहर में चार नहीं पढ़ना है दो पढ़ना है, असर में चार नहीं पढ़ना है दो पढ़ना है, ईशा में चार नहीं पढ़ना है दो पढ़ना है। यानी कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो हालत सफर में भी माफ नहीं है। पढ़ो चाहे आज ही पढ़ो। और नमाज ये एक ऐसी इबादत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है वैसा कुंत फीहिम फअक़िमत लहुम अस्सलाह फलतकुन ताइफ़तुम मिनहुम मअका वलियाख़ुज़ू अस्लिहतहुम। हालत सफर तो बहुत छोटी सी चीज है, अगर तुम जंग की हालत में भी हो, अगर तुम्हारा मुकाबला दुश्मनों से हो रहा हो, अगर तुम जंग के मैदान में भी खड़े हुए हो और ऐसे वक्त में अगर नमाज का वक्त आ जाए, ऐसी हालत में अगर नमाज का वक्त आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है तुम्हारी फौज के अंदर दो गिरोह बन जाए, दो जमातें बन जाए, आधी फौज आधा गिरोह और एक जमात जाके दुश्मनों से लड़ाई करे और एक जमात एक गिरोह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होके नमाज पढ़े। जब ये गिरोह नमाज पढ़ ले तो ये जाके जंग करे, ये जाके लड़े, और दूसरे वाले गिरोह को भेज दिया जाए तो वो आके नमाज पढ़े। नमाज एक ऐसी इबादत है जो हालत जंग में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ नहीं की है। दुश्मनों का खतरा है, जान जाने का खतरा है, किसी वक्त भी तलवार लग सकती है, किसी वक्त भी तीर लग सकता है, किसी वक्त भी जान जा सकती है, लेकिन ऐसी हालत में भी नमाज को माफ नहीं किया गया। आप कुरान करीम को पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन नबियों का तज़किरा कुरान करीम के अंदर किया उन नबियों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीजें बताई उसमें से एक चीज ये भी बताई कि वो सारे के सारे नमाजी थे। वो सारे नबी नमाज पढ़ा करते थे और अपनी उम्मत को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करते थे, और न ये कि सिर्फ खुद नमाज पढ़ते थे बल्कि अल्लाह से दुआ भी करते थे कि अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी तू नमाजी बना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी उठाकर देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है इब्राहिम तुम अपनी बीवी को ले जाओ, अपने बच्चे को ले जाओ, और आज उम्मत का जिसको हम और आप देख रहे हैं उस दौर के अंदर ये वही मक्का था जहां पर कोई इंसान नहीं रहता था, कोई जानवर नहीं रहता था,
बेआब हो गया, बिल्कुल मैदान था, सहरा और रेगिस्तान था, दरख्त का कोई नामो निशान नहीं था, पानी का कोई नामो निशान नहीं था। मुहद्दिसीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि इस रेत के ऊपर से, इस मक्का की जमीन से, इस मक्का के शहर से कोई परिंदा उड़कर भी नहीं जाता था, क्योंकि उस परिंदे को भी मालूम था कि हम उड़ते उड़ते प्यास की वजह से मर कर थक कर गिर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन दूर दूर तक पानी हमें नहीं मिलेगा। ऐसी जमीन, ऐसी जगह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ले जाओ अपने बीवी बच्चे को छोड़ाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने बीवी बच्चे को छोड़ाते हैं, और जब काफी दूर निकल गए, अपने बीवी बच्चे की तरफ पीछे मुड़ के नजर डाली और पहाड़ी पे खड़े होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ यानी आसमान की तरफ निगाह भी उठा दिया, अपने हाथों को भी उठा दिया और अल्लाह से दुआ करने लगे, रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफिदतम मिनन्नास, ए मेरे परवरदिगार, हमने अपने बीबी बच्चे को इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया है ताकि ये लोग यहाँ पे नमाज पढ़े, नमाज को कायम करें। देखिए, रेगिस्तान में बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं और दुआ क्या हो रही है कि ये नमाजी बन जाए। और सिर्फ ये नहीं कि अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए दुआ मांगी हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात, ऐ अल्लाह मुझे भी तू नमाजी बना दे, वह मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी तू नमाजी बना दे। इब्राहिम जैसा जलीलुल कद्र नबी, इब्राहिम जैसा जलीलुल कद्र रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे भी नमाजी बना, मेरी औलाद को भी नमाजी बना। कहाँ है आज वो वालिदैन, कहाँ है आज वो माँ बाप जिन्होंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कभी दुआएं मांगी हो कि अल्लाह इनको नमाजी बना। हमने दुआ मांगी कि इनको डॉक्टर बना, इनको इंजीनियर बना, इनको फलाना बना, इनको ये बना वो बना, दुनिया भर की दुआएं मांगी, कभी ये भी कहा कि अल्लाह हमारे बच्चों को नमाजी भी बना दे, हमें भी नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को भी नमाजी बना। जब इन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी दुआ को कबूल कर लिया, एक बेटा दिया जिसका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। कुरान करीम को उठाकर देखो, 16वां पारा सूरह मरियम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंदा रब्बिही मरज़िया। इस्माइल तो मेरा वो बंदा था जो अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करता था, ज़कात देने का भी हुक्म देता था, और वो अपने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा था। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे, खुद भी नमाज पढ़ते थे, घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे। कुरान करीम का 17वां पारा सूरे अंबिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 नबियों का जिक्र किया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम। 3 नबियों का जिक्र करने के बाद, 3 नबियों का नाम लेने के बाद हमारे परवरदिगार ने फरमाया, वाहुहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस्सलाति व ईताज़्ज़का, हमने इन तमाम लोगों के ऊपर ये वही की थी कि नेक काम करते रहो, और हमने इन लोगों के ऊपर ये भी वही की थी कि तुम लोग नमाज को पढ़ते रहो। आप गौर कीजिए कुरान करीम के ऊपर, तो आपको मालूम होगा कि नमाज का हुक्म तमाम नबियों को दिया जा रहा है। इब्राहिम का जिक्र, इस्माइल का, लूत का, इसहाक का, याकूब का, नमाज का हुक्म हो रहा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह मुझे ये बता मैं तेरा करीबी कैसे बन जाऊं, ऐ अल्लाह मुझे ये बता मैं तेरा ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना चाहता हूं, मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा याद करना चाहता हूं।
है। अल्लाह मैं तेरा बहुत ही करीबी बनना चाहता हूँ, मैं तेरा बड़ा ही मुकर्रब बंदा बनना चाहता हूँ। है अल्लाह मैं कौन सा काम करूँ जिसकी वजह से अल्लाह तू मुझे अपने करीब से करीब कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है, ऐ मूसा अगर तू मेरा करीबी होना चाहता है, अगर तू मेरा जिक्र करना चाहता है, अकीमिस्सलातलिज़िक्री, तो मेरे करीबी होने के लिए, मेरा जिक्र करने के लिए तू नमाजी बन जा। जितना पक्का नमाजी होगा उतना ही ज्यादा मेरा जिक्र करने वाला होगा, जितना पक्का नमाजी होगा तू उतना ही मुझसे करीब होने वाला बन जा। फिरौन के लोग डरा रहे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान वालों को, कौम वालों को, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कौम के लोग भागे भागे आए और आकर कहने लगे, मूसा अब तो ये लोग हमें इबादत भी नहीं करने देते, अब तो ये हमें नमाज भी नहीं पढ़ने देते, अब तो ये हमें अल्लाह का जिक्र भी नहीं करने देते, है मूसा हम क्या करें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, जानते हो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा कि अगर नमाज पढ़ने में तकलीफ है तो छोड़ दो, नमाज पढ़ने की अगर इजाजत नहीं मिल रही है तो छोड़ दो, अगर नमाज पढ़ने में सताया जा रहा है तो छोड़ दो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, वजअलू بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة। ऐ मूसा अपनी कौम के लोगों से कह दो, अगर बाहर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिलती, अगर बाहर नमाज पढ़ने के वक्त में सताया जा रहा है, अगर बाहर नमाज पढ़ते हुए तकलीफें दी जा रही हैं, वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन वअक़ीमुस सलाह, तो अपने घर के ही अंदर नमाज पढ़ो, अपने घर के ही अंदर नमाज को कायम करो। नमाज ऐसी हालत में भी माफ नहीं, अपने घर में नमाज पढ़ो। आप देखिए नबियों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया तो नमाज का भी जिक्र किया। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लीजिए, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में आए, देखा कि फल रखे हुए हैं, खाने का सामान रखा हुआ है। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचने लगे कि मैंने तो ये फल ला के दिए नहीं और मेरे अलावा कोई इस कमरे में आता नहीं है, आखिर ये खाने का सामान कहाँ से आया, ये फल कहाँ से आ गए। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मरियम से पूछा, ए मरियम ये कहाँ से आए। कालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम जवाब देती है, कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये सब मेरे अल्लाह के पास से आया हुआ है, ये सब मेरे परवरदिगार ने मुझे दिया है। मरियम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनने के बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचने लगे कि जो परवरदिगार बेमौसम के फल मरियम को खिला सकता है वो मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, ऐ अल्लाह मेरी बीवी भी बूढ़ी है, बांझ है और मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, ऐ अल्लाह लेकिन मैं एक औलाद की तुझसे दुआ कर रहा हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे कोई नेक औलाद अता फरमा दे। इधर दुआ मांगी, अब कुरान के अल्फाज में सुनो कुरान क्या कहता है, फनादतुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। इधर ज़करिया ने दुआ मांगी और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, आसमान से अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने आवाज लगाई, फनादतुल मलाइकतु वहुवा मेहराब, मेहराब के अंदर खड़े होकर हजरत ज़करिया नमाज पढ़ रहे थे, इसी हालत में फरिश्तों ने आवाज लगाई, अन्नल्लाह युबश्शिरुक बियहया, ए ज़करिया खुश हो जाओ, अल्लाह तुझे एक बेटे की खुशखबरी देता है जिसका नाम यहया होगा। तो ये क्या कर रहे थे मेहराब में खड़े होके, नमाज पढ़ रहे, नबियों का जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर, उनके नमाज के बारे में भी जिक्र किया, नमाज बहुत अहम इबादत है, नबी नमाज पढ़ा भी करते थे, अपनी उम्मत को नमाज की तरफ बुलाया भी करते थे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के इस दुनिया के अंदर आए, कौम के लोगों ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशान करना शुरू कर दिया, ऐ मरियम तेरी शादी नहीं हुई,
ऐ मरियम तेरा निकाह भी नहीं हुआ, ये बच्चा तेरी गोद में कहां से आ गया, ये बच्चा किसका है। अल्लाह ने कहा ऐ मरियम परेशान न हो, जब भी तुझसे ये तेरे बच्चे के बारे में पूछे इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना, ये बच्चा खुद बता देगा कि वो कहां से आया है। लोगों ने कहा, हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम बोल पड़े, قال اني عبد الله, ओ लोगो मेरी माँ को परेशान ना करो, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया और मुझे किताब भी दी है। इस तरीके से ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम अभी दो या तीन दिन के माँ की गोद में और बोलते जा रहे हैं, और उसी बोलने में हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम ये भी फरमाते हैं, वाओ सारी बिस्सलाति वज़्ज़कति मा दुमतु हय्या, मेरे परवरदिगार ने मुझे नबी बनाया, मेरे परवरदिगार ने मुझे किताब अता फरमाई, वाउसानी में सलाती व ज़कती मा दुमतु हय्या, और मेरे परवरदिगार ने मुझे ये वसीयत भी कर दी है, जब तक मैं दुनिया के अंदर जिंदा रहूं नमाज भी पढ़ता रहूं और ज़कात को भी अदा करता रहूं। जब तक जिंदा रहना है, नमाज भी पढ़ना है, ज़कात भी अदा करना। तो मैं बता ये रहा था कि अल्लाह ने नबियों का जिक्र किया, उनकी नमाजों का भी जिक्र किया। नमाज बड़ी अहम इबादत है, कुरान के अंदर सबसे ज्यादा जिक्र इसी इबादत के बारे में आया, और सबसे आखिर में जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आज हमें भी वो सूरत याद है और आपको भी वो सूरत याद होगी, और अगर नहीं याद है तो कम से कम आप लोगों ने सुनी तो होगी, इन्ना आतैनाकल कौसर فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ। अल्लाह ने क्या फरमाया, तीन आयतें, इन्ना आतैनाकल कौसर فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, ये जो दूसरी आयत है इसका तर्जमा पढ़कर देख लीजिए, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे नबी فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो, यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म हुआ कि अल्लाह के लिए कुर्बानी भी करो और नमाजों को भी पढ़ो। नबी को भी हुक्म दिया जा रहा है कि नमाज पढ़ो, और सिर्फ नबी को ही हुक्म नहीं दिया जा रहा है, बल्कि नबी से ये भी कहा जा रहा है कि अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म। وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, ऐ नबी आप खुद भी नमाज पर कायम रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, जमे रहिए, और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़वाइए। मालूम यह हुआ कि इंसान को खुद भी नमाज पढ़ना है और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देना है। आज हमने से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन अपने घर वालों को से नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते, अव्वल तो नमाज ही नहीं पढ़ते। एक घर के अंदर पांच पांच दस दस आदमी मौजूद हैं और सब ने नमाजी, घर के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा है बेचारा, वही जाता है नमाज पढ़ने के लिए, सबके बदले की अकेले वही नमाज पढ़ता है, पूरे घर के नमाज अकेले बेचारा वही पढ़ रहा है, पूरे घर की तरफ से अकेला पढ़ता है नमाज। आप नमाज नहीं पढ़ते, नहीं मेरे दादा पढ़ते, आप नमाज नहीं पढ़ते, नहीं हमारे ससुर जाते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, आप नमाज नहीं पढ़ते, नहीं हमारे बड़े अब्बा पढ़ते, मैं नहीं पढ़ता, अकेला बेचारा, पांच आदमी दस आदमी घर के अंदर मौजूद है, वो बेचारा अकेला नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, लगता है जैसे पूरे घर वालों ने मशवरा करके उसको भेज दिया कि तुम जाओ अकेले, तुम पढ़ लोगे, पूरे घर की तरफ से काफी हो जाएगी काफी। हर आदमी को अपनी अपनी नमाज पढ़ना, नबी को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म, और नबी ने हुक्म दिया और खुद भी नमाज पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ मेरे नबी आप कह दीजिए
बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हिरक्ल के दरबार में हिरक्ल ने यह ऐलान कर दिया मुल्क शाम के अंदर कि कोई भी मक्का का आदमी अगर मिल जाए तो उसको मेरे पास में पकड़ कर लाओ, मुझे उससे कभी सवाल करना है। उसके फौजी मुल्क शाम के बाजारों में ढूंढने के लिए निकले कि कोई मक्का का आदमी तिजारत ताजिर तिजारत करने के लिए मक्का से यहाँ पे आया हो तो उसको ले जाकर पेश कर दिया जाए। और ताज्जुब की बात तो ये देखो मुसलमानों, मक्का का जो आदमी उन फौजियों के हिरकल बादशाह के उन फौजियों के हाथ जो लगा, वो जानते हो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू सुफयान था। यह अलग बात है कि बाद में वो इस्लाम ले आए मुसलमान हो गए, लेकिन उस वक्त वो नबी के दुश्मन थे। पकड़ कर लाया गया अबू सुफयान को। उस हिरकल बादशाह ने बहुत सारे सवाल किए, बुखारी की लंबी रिवायत है, उन बहुत से सवालों में से एक सवाल ये भी पूछा था, ऐ अबू सुफयान ये बताओ वो जो नबी मक्का के अंदर हुआ है, जिसने नबी होने का दावा किया है, वो किस चीज की तरफ बुलाता है, किस चीज का तुम्हें हुक्म देता है, किस चीज की तरफ तुम्हें बुलाता है? तो अबू सुफयान ने जवाब दिया, या मुरुना बिस्सलाति वस्सिद्क़ि वलआफ़ाति वस्सिलाह, वो हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं, वो हमें नमाज की तरफ बुलाते हैं, वो हमें सदका व खैरात करने का हुक्म देते हैं। नबी का काम ही यही था, खुद भी नमाज पढ़ते थे, घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे और तमाम लोगों को नमाज की तरफ बुलाते थे। और नबी को नमाज से इतनी मोहब्बत थी, हदीसों के अंदर आता है, हजरत आयशा से देखकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आप अपने होठों को हरकत दे रहे थे, जबान से कुछ अदा कर रहे थे, लेकिन कमजोरी की वजह से वो अल्फाज हजरत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है हमारे कानों में आ नहीं रहे थे, हमें सुनाई नहीं दे रहा था। इतने में मैंने अपने कानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों के पास में, लबे मुबारक के पास में रख दिया तो मैंने आपकी आवाज सुनी। आप मरज़ुल मौत के अंदर मुब्तला है, आप बीमारी के अंदर मुब्तला है, आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि आपकी आवाज जोर से नहीं निकल रही है, आप उतनी बीमारी के आलम में मरज़ुल मौत के आलम में वसीयत फरमा रहे हैं, अस्सलातु अस्सलातु वमा मलकत अयमानुकुम, ओ लोगो नमाज का ख्याल रखना, ओ लोगो नमाज को पढ़ते रहना, ओ लोगो नमाज को पढ़ते रहना, वमा मलकत अयमानुकुम, और गुलामों का भी ख्याल रखना। बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ख्वाहिश यही थी, आपकी आखिरी वसीयत ही यही थी, आपका आखिरी फरमान ही यही था कि लोग नमाजी बन जाए, नमाजों को पढ़ते रहे। और मुसलमानों अफसोस है आज हमने नबी की आखिरी ख्वाहिश की भी किस तरीके से हमने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं समझी, आज उसको भी हमने रौंद के फेंक दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ख्वाहिश ये थी, कम से कम इसका तो ख्याल कर लिया जाता। नमाज। और एक बात आपको और बताऊं, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह पर, कुरान करीम ने एक जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को ईमान कहा है। क्या कहा? नमाज को ईमान कहा है। अब गौर कीजिए, नमाज को ईमान कहा। वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, अल्लाह ने यहां पे नमाज को ईमान कहा है। मालूम यह हुआ कि बगैर नमाज के ईमान का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम के अंदर
बगैर नमाज के ईमान का कोई तसव्वुर नहीं है। एक आदमी लाख कहता रहे कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा ईमान वाला हूँ, मैं मोमिन हूँ, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम के अकॉर्डिंग उसके अगर ईमान के अंदर नमाज शामिल नहीं है तो बगैर नमाज के उसके ईमान का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर आप ईमानदार हैं तो आप नमाजी होंगे, अगर आप ईमान वाले हैं तो आप नमाजी होंगे, बेनमाजी नहीं होंगे। और यही वो नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, लौ अन्न नारन लौ अन्न नहरन बिबाब अहदिकुम यगतसिलु फीही कुल यौमिन खम्स मर्रात। ऐ लोगों ये बताओ, अगर किसी के घर के दरवाजे के बाहर कोई नहर निकली हुई हो, कोई दरिया निकली हुई हो, कोई नहर निकली हुई हो, अगर किसी के दरवाजे के बाहर नहर निकली हुई है और वो आदमी रोजाना पांच वक्त उसके अंदर नहाता है, पांच वक्त उसके अंदर गुस्ल करता है, हलिया बकामिर दरनी चाहे, ऐ मेरे साहबा जरा ये बताओ क्या उसके जिस्म के ऊपर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा, सहाबा कहने लगे ला यबका मिन दरनी शय, अल्लाह के नबी नहीं उसके जिस्म के ऊपर तो कोई भी मैल बाकी नहीं रहेगा, जो पांच वक्त में नहाता हो वो जिस्म के ऊपर मैल जमेगा कहां से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज़ालिका मिन सुलुस सलावातिल खम्स यमहु अल्लाहु बिहिन्नल खताया, यही तो पांच नमाजों की मिसाल है। अगर कोई आदमी दिन भर में पांच वक्त की नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों से उसको पाको साफ कर देता है, जैसे पांच मर्तबा नहाने से मैल साफ हो जा रहा है, ऐसे गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। अरे नमाज तो बहुत बड़ी चीज है, अगर आप वुजू बनाने के लिए बैठ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला अदुल्लुकुम मा युकफ्फिरुल्लाहु बिहिल खताया वयज़ीदु बिही फिल हसनात। ऐ मेरे साहबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की तरफ रहनुमाई ना कर दूं, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज के बारे में ना बता दूं, अगर तुम उसको करने लगोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी नेकियों को बढ़ा देगा। बताओ क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं। साहबा कहने लगे, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम तीन चीजें कर लिया करो, तीन काम तुम कर लिया करो, तीन काम अगर तुम करने लगोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हारी नेकियों को बढ़ा देगा। साहबा कहने लगे, अल्लाह के नबी वो तीन काम कौन से हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्बाउल वुजूई अलल मकारिह व कसरतुल खुता इलल मसाजिद व इंतजारु सलाति बादस सला, कि जब तुम वुजू बनाया करो तो अच्छे तरीके से वुजू बनाओ। और दूसरी चीज आपने ये फरमाई कि मस्जिद की तरफ पैदल चल कर जाओ और एक नमाज को जब तुम पढ़ लो तो दूसरी नमाज का इंतजार करो, यानी वुजू को अच्छे से बनाओ, पैदल चल के नमाज पढ़ने के लिए जाओ और एक नमाज के बाद में दूसरी नमाज को का इंतजार करो। ये तीन काम अगर तुम कर लोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, तुम्हारी नेकियों को बढ़ा देगा। और एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए निकलता है, घर से वुजू बना के निकला, नमाज के अलावा कोई दूसरा इरादा उसका नहीं है, अरे ये वुजू बना के घर से बाहर निकला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम यख्तु खुतवतन इल्ला रफ़अहु अल्लाहु बिहा दरजतन व हुत्तानहु खतियतन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, अभी इसने एक कदम आगे बढ़ाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक कदम बढ़ाने पर उसके एक गुनाह को माफ कर देता है और जब दूसरा कदम बढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी एक नेकी को उसके नियामयामाल के अंदर लिख देता है। इसी तरीके से वो कदम बढ़ाता चला जाता है, उसके गुनाहों को अल्लाह माफ करता चला जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नियामयामाल के अंदर नेकियों को लिखता चला जाता है। ये किस चीज का सवाब है? नमाज का नहीं, नमाज के लिए जाने का सवाब है।
नमाज का सवाब नहीं बता रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के लिए जाने का क्या सवाब है ये बता रहे हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज के लिए जाने का सवाब क्या है। सहाबाए किराम ने जब ये सुना, आप तारीखों की किताबें उठाकर देखिए तो आपको मालूम होगा, एक सहाबी रसूल से मदीना से कई किलोमीटर की दूरी पे रहा करते थे, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है, वहां नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे और पैदल चल के आया करते थे। कई किलोमीटर दूर मस्जिद नबवी से इनका घर था, लेकिन पैदल चल के आया करते थे, पांचों नमाजों में आया करते थे, पूरे साल आया करते थे, 12 महीनों आया करते थे। जब सहाबा इकराम ने इनको देखा कि ये बंदा इतनी दूर से चल के आता है, इतना किलोमीटर रोजाना पांचों वक्त में नमाज पढ़ने के लिए चलकर आता है, सहाबा इकराम आपस में मिले और उन्होंने मशवरा किया, इन साहबी को एक नमाज के बाद में रोक लिया, ओ मेरे भाई जरा रुक जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। साहबी रसूल कहने लगे, बताओ क्या बात है। कहा, तुम इतनी दूर से नमाज पढ़ने के लिए आते हो, फजर में आते हो फिर जाते हो, जोर में आते हो फिर जाते हो, असर में भी, मगरिब में भी, ईशा में भी, कई किलोमीटर तो तुम ऐसे पैदल चल लेते हो, सर्दियों में भी आते हो, गर्मियों में भी आते हो, बारिश में भी, बरसात में भी नमाज पढ़ने के लिए आते हो, धूप में भी आते हो, छांव में भी आते हो, रात में भी आते हो, दिन में भी आते हो, अंधेरे में भी आते हो, रोशनी में भी आते हो, ओ मेरे भाई तुम एक सवारी क्यों नहीं खरीद लेते, उस पे चल के आया करो, उस पे चढ़ के आया करो, सवारी खरीद लो, कितने किलोमीटर रोजाना तुम चलते हो, तुम्हारे पैरों में दर्द होता होगा, अरे कहीं कोई कांटा अंधेरे में ना चुभ जाए, कोई कीड़ा तुम्हें काट ना ले, कोई बिच्छू डंक ना मार दे, कोई सांप तुम्हें डस ना ले, इतना लंबा रास्ता तय करके आते हो, ऐ मेरे भाई तुम कोई सवारी क्यों नहीं खरीद लेते, कीचड़ हो जाती होगी बरसात में, तुम्हारे पैर खराब हो जाते होंगे, अरब की तपती हुई गर्मी और तपती हुई रेत गर्मी के मौसम में तुम्हारे पैर जल जाते होंगे, और जब सर्दियों का मौसम होता है रात के वक्त में ये रेत तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, तुम्हें सर्दी भी लगती होगी, ओ मेरे भाई तुम एक सवारी खरीद लो, उसमें बैठ के नमाज पढ़ने के लिए आया करो, और सुनो अगर तुम्हारे पास में इतनी ताकत नहीं है कि तुम सवारी को खरीद सको, तो हम सारे लोग इकट्ठा होकर तुम्हारे लिए कोई सवारी खरीद देते हैं, तुम उसमें बैठ के नमाज पढ़ने के लिए आया करो। सहाबा का मशवरा गलत था, मदद करना चाहते थे ना किसी की, मशवरा गलत था उनका। लव इश्तराइता हिमारत, कोई जानवर खरीद लो, घोड़ा खच्चर गधा कोई भी ले लो, उस पे बैठ के नमाज पढ़ने के लिए आया करो। सहाबे रसूल ने जब ये अल्फाज सुने और अपने दोस्तों की इन बातों को सुना, जवाब देने लगे, ओ अल्लाह के बंदो, मैं अगर चाहूँ तो सवारी को खरीद सकता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने प्यारे नबी से सुना है, लम यफ्तो खुद वतन इल्ला रफाहुल्लाहु दरजतन, जब बंदा एक कदम नमाज के लिए आगे बढ़ाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसका एक घर बना देता है, जन्नत में उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है, एक गुनाह को उसके मिटा देता है, एक नेकी को उसके नामयामाल में लिख देता है, और मैं ये चाहता हूँ कल कयामत के दिन जब परवरदिगार से जाके मिलो तो मेरे नाम अयामाल में नेकियां भरी हुई हों, बहुत सारी नेकियां, इसलिए मैं जानवर नहीं खरीदता। अल्लाहू अकबर, ये मोहब्बत थी सहाबा इकराम को नमाज। आप जरा गौर कीजिए, वुजू का मसला इतना अहम है, कल कयामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत की सुबह तक जो भी पैदा हुआ, यानी तमाम के तमाम इंसान मैदान महशर में खड़े होंगे, सारे नबी होंगे और उनकी उम्मतें भी होंगी। एक सहाबी रसूल कहने लगे, अल्लाह के नबी, जब इतनी भीड़ होगी, इतना मजमा होगा, सारे नबी होंगे, सारे रसूल होंगे,
ऐ अल्लाह के नबी उस भीड़ के अंदर आप मुझे कैसे पहचानेंगे, अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, आपको अपनी उम्मत की पहचान कैसे होगी? आप चाहते हैं ना कि अल्लाह के नबी आपको पहचाने कि ये मेरा उम्मती है, तभी तो शफाअत होगी, तभी तो सिफारिश होगी, तभी तो हौज़े कौसर का पानी मिलेगा। हर बंदा चाहता है कि अरे आप नबी की मिसाल तो बहुत ऊंची चीज हो गई। आजकल के छोटे मोटे नेता के सामने लोग चक्कर पे चक्कर लगाते हैं ताकि ये नेता हमें पहचान ले। उसकी रैली में जा रहे हैं, उसके जुलूसों में जा रहे हैं, उसके घर का चक्कर लगा रहे हैं, उसने किसी काम करने का कह दिया तो उसके पीछे 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 भाग रहे हैं। क्यों? इसलिए नेता पहचान ले मुझे। और लोग कहें कि ये फला नेता का आदमी है, ये बहुत करीबी है उसका, बहुत अच्छी तालमेल है। होता है कि नहीं ऐसा? अल्लाह अकबर। मैदान महशर में नबी ये कहते हैं ये मेरा उम्मती है, क्या आलम होगा उस उम्मती का। तो साहबा कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ अल्लाह के नबी इतनी भीड़ होगी, इतने सारे लोग होंगे, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। कुर्बान जाओ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मेरे नबी ने एक पहचान बता दी। फरमाया कल कयामत के दिन इतनी भीड़ में मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूंगा। इन उम्मती युदउन यौमल कयामती वहुम मुहज्जलीन लिल आसारिल वुजू। मेरी उम्मतियों ने, मेरी उम्मत के लोगों ने वुजू बनाया होगा, उस वुजू बनाने की वजह से उनके हाथ पांव और चेहरा चमक रहा होगा, जिसकी वजह से मैं पहचान लूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं। किस चीज से पहचानेंगे? वुजू की निशानी से। हम तो वुजू बनाते ही, वुजू बनाते इसलिए नहीं कि हम नमाज पढ़ते नहीं, हमें तो जुमे को जाना है और उसके बाद फिर जुमे को जाना है, हफ्ते में एक बार जाना है। बताइए अब एक बार हफ्ते में जाऊंगे तो क्या आपके आजा चमकेंगे, क्या आपके हाथ पैर चमकेंगे और कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पहचानेंगे। और एक बात और बताऊं आपको, ये तो वुजू का मामला हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सामने तमाम लोगों को खड़ा कर लेगा और सबसे पहले जब हिसाब किताब शुरू किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक करके तमाम बंदों को बुलाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला मा युहासब बिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सला। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल करेगा वो नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बाकी के आमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, और अगर नमाज के अंदर ही कमी रह गई, नमाज ही के अंदर अटक गए, पहला सवाल नमाज के बारे में पूछा जाएगा, ओ मेरे बंदे तू दुनिया के अंदर नमाजी था या बेनमाजी था, ओ मेरे बंदे तूने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ओ मेरे बंदे तू दुनिया के अंदर नमाज पढ़ा करता था या नहीं, ये पहला सवाल होगा। अगर नमाज दुरुस्त निकल आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सारे आमाल को अल्लाह दुरुस्त कर देगा, और अगर नमाज में अटक गए तो सारे आमाल के अंदर अटकते चले जाएंगे, सारे आमाल बर्बाद हो जाए। इतनी फिक्र थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने बयान फरमाती है, प्यारे नबी जिनसे सवाल भी नहीं होना, ना कब्र में, ना मैदान महशर में, ना फरिश्ते पूछेंगे, ना परवरदिगार पूछेगा, बख्शे बख्शाए हैं, नबियों के सरदार हैं, उम्मतियों के सरदार हैं, तमाम इंसानी और औलाद आदम के सरदार हैं। उन नबी का यह हाल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक्का सलीमा कदमा हो। अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि आप इतनी लंबी नमाजें पढ़ा करते थे कि आपके पैरों में वरम आ जाया करता था। अम्मा आयशा पूछती, अल्लाह के नबी आप इतनी लंबी नमाजें क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने बख्श दिया है तो मैं शुक्रिया के तौर पे नमाजें अदा की।
ना यहाँ इबादत के तौर पर है, न मांगने के तौर पर है, न शुक्रिया के तौर पर है, किसी तरीके पर भी हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ में गए, सहाबा के साथ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह। आपने फरमाया कि पहरा कौन देगा ताकि दुश्मन हमला ना कर दे, दुश्मन हमला ना कर दे, पहरा कौन देगा। दो साहबे रसूल खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के नबी सबको जागने की जरूरत नहीं, हम दोनों पहरा देने के लिए तैयार हैं, हम दोनों हिफाजत करेंगे, पहरा देंगे, नजर रखेंगे कि कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला ना कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ उस मैदान में सो गए, और एक अंसारी सहाबी, एक मुहाजिर सहाबी, जिन दोनों ने वादा किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम रात भर पहरा देंगे, अल्लाह के नबी हम रात भर जागेंगे, आपको जागने की जरूरत नहीं, सारे लोगों को जागने की जरूरत नहीं, हम देखते रहेंगे कि दुश्मन हमला ना कर दे। अब इन दोनों ने आपस में बातचीत की कि दोनों को जागने का क्या फायदा, एक काम करो आधी रात तक हम जागते हैं तुम सो जाओ, और आधी रात के बाद हम सोएंगे तो तुम्हें उठा देंगे, दोनों क्यों जागो। दोनों में आपस में तय हो गया, अंसारी साहबी कहने लगे पहले मैं जागता हूं, आधी रात तक मैं जागूंगा और आधी रात के बाद तुम जागना। मुहाजिर साहबी भी सो गए, अब तरह तरह अंसारी साहबी हैं। अब जब ये अकेले बचे तो सोचने लगी क्या करूं, अब ये हमारा तुम्हारा जमाना तो मोबाइल का और इंटरनेट का है, यहां तो आदमी को जरा सा मौका मिलता है तो वो फौरन सोचता है कि लाओ मैं नेट चला लूं, लाओ मैं दोस्तों के व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ लूं, लाओ जरा फेसबुक पर देख लूं क्या क्या चल रहा है। वो सहाबी रसूल से जैसे ही मौका मिला कहने लगे लाओ मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूं। अल्लाह, जैसे ही मौका मिला कहते लाओ मैं नमाज पढ़ लेता हूं, हमारे दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि लाओ मैं कुरान पढ़ लेता हूं, ना मैं दो रकात नमाज अदा कर लेता हूं, ना मैं फला दुआ याद कर लेता हूं, आज मौका मिला है, हमारे दिल में नहीं ख्याल आता। सहाबी रसूल नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी, हाथों को बांधा, और उसके बाद में सूरे फातिहा को पढ़ा, और सूरे फातिहा पढ़ने के बाद गालिबन सूरे कहफ की तिलावत शुरू कर दी। अब ये सूरे कहफ पढ़ते जा रहे हैं, इधर दुश्मन आया और उसने देखा कि मुसलमान जाग रहे हैं या सो रहे हैं, उसने जब चारों तरफ देखा तो उसे ये मालूम हुआ कि ये सारे के सारे तो सो रहे हैं लेकिन एक आदमी जाग रहा है। सोचने लगा कि इस आदमी को अगर मार दिया जाए तो फिर दुश्मन तो फिर नबी के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर अच्छे तरीके से हमला कर सकते हैं और उनको सोते में उनके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। इधर ये नमाज पढ़ रहे और उधर उसने तीर निकाला और अपने कमान पे उस तीर को चढ़ाया और एक निशाना लगाया। ये नमाज पढ़ रहे हाथों को बांधे हुए कयाम की हालत में तीर सनसनाता हुआ उड़ता हुआ आता है और सीधे आके इनकी कमर में पैबस्त हो जाता है। पहला तीर इनके जब बदन पे लगा सोचने लगे अल्लाह ये तीर मेरे आके लगा है जिसमें से खून भी बह रहा है, अब मैं नमाज को खत्म कर दो या मैं अपनी नमाज को मुकम्मल कर लो। अभी ये सोच रहे हैं कुरान की तिलावत की नमाज के अंदर करते जा रहे हैं, दुश्मन ने देखा कि एक तीर से तो ये मुसलमान न गिरा, एक तीर से तो ये न मरा, एक तीर से तो ये न गिरा, उसने दूसरा तीर चढ़ाया और दूसरा तीर मारा, वो तीर भी आके मुसलमान सहाबी के लगा। अब दूसरा तीर लगा तो कमजोरी और आ गई, दर्द और बढ़ गया, तकलीफ और ज्यादा हो गई। सोचने लगे अल्लाह क्या हम नमाज को मुकम्मल कर दो, फिर कहा कि नहीं नहीं नमाज को मैं मुकम्मल तो करूंगा ही, साथ में सूरा को भी खत्म कर लूं, ये सूरा को मैंने शुरू किया है। दुश्मन ने देखा कि ये तो दो से भी नहीं गिर रहा है, तीसरा तीर मारा, ये तीर भी आके पीठ में आकर पैबस हो गया, खून की धारा बह रही है, तकलीफ भी हो रही है,
अब सोचने लगे कि कमजोरी भी होती चली जा रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। अगर मैंने नमाज को अपनी जल्दी से मुकम्मल न किया तो कहीं ऐसा ना हो कि नमाज मुकम्मल करने से पहले मैं बेहोश होके गिर जाऊं, और ये मेरा ये साथी भी सो रहा है और सारे मुसलमान सो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर दे। इन्होंने अपनी नमाज को जल्दी से मुकम्मल किया और अपने उस साथी को, अपने उस दोस्त को जगाया जो सो रहे थे, जो हम महाजिर साहब भी सो रहे थे, उनको उठाया। अब जब उनको उठाया तो ये दो हो गए। दुश्मन ने देखा कि अभी तो एक था, अभी अपने एक और साथी को बुला लाया, कहीं ऐसा ना हो कि दो तीसरे को बुला लाए। बस वो फौरन वहां से भाग गया और समझ गया कि इनके ऊपर हमला करना मुश्किल है। मेरे भाइयों, उन्होंने हमला ना किया ये तो एक अलग मसला है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि वो सहाबी रसूल तीर को तुकाते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी नमाज को न तोड़ा, अपनी नमाज से मुंह न फेरा, और अपनी नमाज को उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मुकम्मल किया। दुश्मनों का हमला हो रहा है लेकिन सहाबी रसूल अपनी नमाजों को खत्म नहीं करते थे, अपनी नमाजों को नहीं तोड़ते थे। ये सहाबी रसूल की नमाजें थी। एक सहाबी थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनका नाम था रबिया इब्ने काब असलमी रजी अल्लाह तआला। इनके बारे में आता है कि जब नबी नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, वजू बनाने के लिए बैठते थे, तो ये वजू के का पानी लाकर, लोटे में वजू का पानी लाकर दे देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत खुश हुए। एक मर्तबा आपने फरमाया कि ऐ रबिया, तुम मुझसे कुछ सवाल करो अगर करना चाहते हो, मांगो मुझसे कुछ अगर मांगना चाहते हो। रबिया बिन काब कहने लगे कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कुछ देने की बात कही है, मैं क्या मांगू? अगर कोई बड़ा आदमी आपसे कहे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूं, तो हम लोग सोचना पड़ जाएंगे क्या मांगे इससे। मोटर मांगे, कार मांगे, बंगला मांगे, जमीन मांगे, नौकरी मांग ले, अपने बच्चे की नौकरी मांग ले, क्या क्या मांग ले इससे। सहाबी रसूल से पूछा अल्लाह के नबी ने, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कुर्बान जाइए, सहाबा की आरजू और तमन्नाओं पर जानते हो क्या मांगा? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बस ये चाहता हूं कि जिस तरीके से यहां दुनिया में आपके साथ रहता हूं, जन्नत में भी आपके साथ मैं ये चाहता हूं। सब कुछ मांग लिया इतनी छोटी सी बात की। अल्लाह, जैसे मैं यहां रहता हूं आपके साथ, जन्नत में भी मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं, बस मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं। जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया था? आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ रबिया, अगर तुम जन्नत में भी मेरे साथ में रहना चाहते हो, जिस तरीके से तुम दुनिया के अंदर मेरे साथ में रह रहे हो, तुम सजदे ज्यादा किया करो, यानी तुम नमाजें ज्यादा पढ़ा करो। ऐ रबिया, तुम अपने आप को नमाजी बना लो, ज्यादा सजदे करो, ज्यादा नमाजें पढ़ो, जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मेरा साथ नसीब फरमा देगा। मालूम यह हुआ कि ज्यादा नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जन्नत में मिल जाएगा। बहुत फायदे हैं नमाज, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपनी औलादों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपनी औलादों को नमाज पढ़ने की तलकीन करो, जब वो 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा, और उनको मारो कब? जब वो 10 साल के हो जाए और नमाज पढ़ने के लिए ना जाए। आज हमारे घर में बच्चों की मार लगती है, पढ़ने नहीं जाते तो मार लग रही है, काम के लिए नहीं सुनते तो मार लग रही है, ज्यादा खेल रहा है तो भी मार लग रही है, शरारत कर रहा है तब भी मार लग रही है, इन तमाम चीजों पे तो मार लगती है, और माँ बाप उनको अपने बच्चों को मार देते हैं। लेकिन ऐसे माँ बाप कितने हैं जिन्होंने नमाज के लिए अपने बच्चों को मारा हो, जिन्होंने नमाज के लिए अपने बच्चों को तलकीन की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 7 साल के बच्चे हो जाएं तो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज पढ़ने के लिए ना जाएं तो मार मार के उनको नमाज पढ़ाया करो। कितने माँ बाप ऐसे हैं बताइए जिन्होंने ये काम किया हो, अपने बच्चों से कहा हो कि नमाज पढ़ने के लिए जाओ,
बेटा अगर सिगरेट लाके नहीं देता तो बाप खफा हो जाता है, लेकिन बेटा नमाज पढ़ने नहीं जाता बाप को फिक्र तक नहीं। मुसलमानों, औलाद के बारे में भी तुमसे सवाल होगा, बीवी बच्चों के बारे में भी तुमसे सवाल होगा कि ये बेनमाजी कैसे रह गई, तुमने नमाज पढ़ी तो ये बेनमाजी कैसे, अकेले नमाज पढ़ के तुम भी नहीं बच सकते, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का। और आपको बताऊं एक हदीस देखिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यताअक़बून फीकुम मलाइकतुम बिललैल व मलाइकतुम बिन्नहार। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कुछ फरिश्ते नाजिल होते हैं और ये फरिश्ते मस्जिदों के अंदर आते हैं। जो फरिश्ते फजर के वक्त में मस्जिद में आते हैं उनकी ड्यूटी फजर से लेके असर तक चलती है, और जो फरिश्ते जब असर की नमाज का वक्त हो जाता है तो इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, फिर दूसरे फरिश्ते आ जाते हैं और वो असर से लेके फजर तक मस्जिद के अंदर रहते हैं। तो फरिश्तों की दो ड्यूटियां लगती हैं, फजर से लेकर असर तक अलग फरिश्ते और असर से लेकर फिर फजर तक ये अलग फरिश्ते। जब ये अपनी अपनी ड्यूटियां करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास में जाते हैं, फयसअलुहुम रब्बुहुम वहुव अअलमु बिहिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से सवाल करता है, ऐ मेरे फरिश्तों, कैफ तरक्तुम इबादी, तुमने मेरे बंदों को कैसे छोड़ा, यानी जब तुम दुनिया से आए तो मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ के आए। अब वो फरिश्ते जिन आदमियों को फजर में भी नमाज के वक्त में देखा और असर के अंदर भी नमाज में देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, जब हम गए थे तब भी वो मस्जिद के अंदर थे और जब हम आए तब भी वो मस्जिद के अंदर थे, ऐ अल्लाह जब हम गए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे और जब वहां से आए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। ये अल्लाह के पास में कौन गवाही दे रहा है, कौन बता रहा है, फरिश्ते बता रहे हैं। इसीलिए एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है तो लोग आपस में लड़ पड़ेंगे कि मैं पढ़ूंगा, वो कहेगा कि मैं पढ़ूंगा, वो कहेगा कि नहीं मैं पढ़ूंगा नमाज, पहली सफ में मैं खड़ा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुम्म लम यजिदु इल्ला अन यस्तहीमु अलैहि लस्तहमु, और जब उन लोगों की बात आपस में बन नहीं पाएगी तो कुरान दाजी करेंगे, जिनका नाम पर्चियों में निकल आएगा, पूरे के पूरा के अंदर निकल आएगा, जिनका नाम निकल आएगा वो अगली सफ में नमाज पढ़ेंगे, अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है। और आगे इसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ यालमूना, और अगर लोगों को ये मालूम हो जाए, मा फिल आतमति व सुबह, फजर की नमाज पढ़ने का सवाब कितना है और ईशा की नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, अगर लोगों को ये बात मालूम हो जाए, लातौहुमा वलौ हबबन, अगर उनको घुटनों के बल भी चल के आना पड़े तो घुटनों के बल आए, अगर उनको सुरीन के बल भी चल के, अगर उनको सुरीन के बल चल के आना पड़े तो वो सुरीन के बल चल कर आए, लेकिन नमाज में छोड़े, ये सवाब है नमाज पढ़ने का। और एक हदीस और बताता हूं, इसको भी याद रखना, तिर्मिजी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम चाहते हो कि रोजाना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल बनाए, रोजाना रोजाना एक महल तुम्हारे लिए जन्नत में बनाए, तुम चाहते हो? सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी हम क्यों नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए महलों को तामील कर दे। आज हमारी भी तो ख्वाहिश होती है ना, एक मकान खरीद लिया तो दूसरा खरीद लू, एक बीघा जमीन खरीद ली तो दो बीघा कर लू, एक एकड़ ले ली तो दूसरी, एक दुकान ले ली तो दूसरी, एक गाड़ी ले ली तो दूसरी, एक बाग खरीद लिया तो दूसरा बाग ले लू, हमारी भी तो ख्वाहिश होती है, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हो जाए। कभी सोचा है कि जन्नत के अंदर भी महल बढ़ जाए, जन्नत के अंदर भी दरख्त बढ़ जाए, जन्नत के अंदर भी जगह बढ़ जाए? ये सहाबा की सोच थी, कहने लगे, अल्लाह के नबी क्यों नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला तिनतै अशरा रकअतन, जिस आदमी ने एक दिन में 12 रकात नमाज पढ़ी, बुनिया लहू बैतुन फिल जन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए एक महल बना देता है। अब अगर आप जोड़े तो फर्ज नमाजें फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3 और इशा की 4, अगर ये फर्ज नमाजों को जोड़ लेते हैं तो ये तो 17 बनती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 12 ही रकात नमाज बता रहे हैं। अब ये 12 रकात कौन सी हैं? इसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबान कबल ज़ुहर व रकअतैन बादहा, 4 रकात नमाज जोहर से पहले और 2 रकात नमाज जोहर के बाद, यानी 4 सुन्नतें पहले और 2 सुन्नतें बाद में। और फरमाया व रकअतैन बादल मगरिब, और 2 रकात नमाज मगरिब के बाद, व रकअतैन बादल इशा, और 2 रकात नमाज इशा के बाद, व रकअतैन कबल फजर, और 2 रकात नमाज फजर की नमाज से पहले। मालूम यह हुआ, अगर किसी आदमी ने इन 12 सुन्नतों को पढ़ लिया, फर्ज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सुन्नतों की बात चल रही है, अगर आप 12 रकात सुन्नतों को दिन भर में पढ़ लेते हैं, बुनिया लहू बैतुन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में तुम्हारे लिए एक महल बना देगा, सिर्फ सुन्नत पढ़ने। और अगर फर्ज पढ़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ये तो आप समझ सकते हैं, अल्लाह ही बेहतर जान सकता है इसको कि क्या क्या मिलेगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, चलते चलते मैं बात को अपनी समेटता हूं, क्योंकि अभी मुझे यहां से जाना भी है, मुझे गाड़ी का भी टाइम हो रहा है। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर इब्ने कसीर के अंदर एक वाकया नकल किया है। एक आदमी था, बड़ा गरीब आदमी था, सवारी उसके पास एक घोड़ा था या एक खच्चर था, उसमें गाड़ी बंधी हुई थी और वो उस पर बिठा के सवारियों को दिमश्क से जैदान ले जाया करता था, उसी पे उसका गुजर बसर होता था। था तो गरीब आदमी लेकिन था नमाजी आदमी। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक दिन एक आदमी उसके पास आया और कहने लगा कि दिमश्क चलोगे? कहने लगा कि वो कहता कि ठीक है मैं चलूंगा। अब जब ये दोनों आदमी गए, मामला तय हो गया कितने रुपए लोगे। अब जब ये जाने लगा तो जब आदिपुर पहुंचे तो एक जगह पे 2 रास्ते आए, 2 रास्ते। तो जो रास्ता था जिससे सारे लोग जाया करते, तो जो मशहूर रास्ता था, इसने अपनी घोड़े को उस गाड़ी को उसी रास्ते पे डाल दिया। वो आदमी जो बैठा हुआ था कहने लगा, यहां से क्यों जा रहे हो, ये तो बहुत लंबा रास्ता है, ये शॉर्टकट है, इससे चलो ना। वो कहता कि इस रास्ते पे मैं जाता नहीं हूं और ये रास्ता मैंने देखा भी नहीं है, मुझे नहीं मालूम ये रास्ता कैसे है। कहा कि मैंने देखा है, मैं कई मरतबा इस रास्ते से गया हूं, मैं कह रहा हूं मेरे साथ चलो। ये सीधा साधा आदमी था, उसकी बातों में आ गया और उस रास्ते पे चला गया। आगे चलकर हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, आगे चलकर जब ये उस रास्ते पर आगे चलता गया तो आगे जंगल आना शुरू हो गया, रास्ता खत्म हो गया, आबादी खत्म, रास्ता खत्म, जंगल आना शुरू हो गया, सुनसान वीरान इलाका। जब काफी आगे चले गए, अब वो आदमी जो बैठा हुआ था उसने इससे कहा, इस गरीब आदमी से कहा, इस तांगे वाले, इस घोड़े वाले से कहा कि अपने सवारी को रोक ले, अपने घोड़े को रोक ले। उसने रोक लिया, ये आदमी उतरा और अपने कुर्ते के अंदर से इसने खंजर निकाला, कहने लगा, तू शायद मुझे जानता नहीं है, मैं डाकू हूं, मैं डाकू हूं, तू शायद मुझे जानता नहीं है, आज मैं तेरी जान ले लूंगा और ये तेरी सवारी, ये तेरा घोड़ा, ये तेरी गाड़ी मेरी हो जाएगी। वो आदमी कहने लगा, अगर तुझे सवारी चाहिए, अगर तुझे गाड़ी चाहिए, अगर तुझे घोड़ा चाहिए तो तू ले ले, लेकिन मेरी जान छोड़ दे। कहने लगा कि अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ देता हूं तो मेरा राज फाश हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। अब
ये बराबर कह रहा है और वो मारने के लिए तैयार है। जब इसने देख लिया कि मेरी जान अब नहीं बचेगी, कहा कि मेरी आखिरी उपाय की है कि मरने से पहले मुझे दो रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे। अब ये दो रकात नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, सजदे में सर रख के अल्लाह के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, ए अल्लाह मुझे किसी भी तरीके से इससे बचा ले, इस जालिम से मेरी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह इस जालिम से मुझे बचा ले। ये रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो क्या सुनता है कि एकदम तेजी के साथ में आवाज आई। इसने जल्दी से अपनी नमाज को मुकम्मल किया और नमाज मुकम्मल करने के बाद जब उस जालिम उजाने डाकू की तरफ देखा तो वो आदमी काकू खून के अंदर तड़प रहा है, गर्दन उसकी कट चुकी है, और एक आदमी को देखा जो तलवार से उसकी गर्दन काट के जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी फरिश्ते को उसकी नमाज की वजह से, उसकी दुआ की वजह से उस आदमी की मदद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेज दिया था। ये नमाज पढ़ने का सवाब, ये नमाज पढ़ने की फजीलत, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज ये आदमी की अपने फरिश्तों के जरिए से मदद करवा देता। और आप सिर्फ ये ना सोचे कि नमाज पढ़ने का फायदा सिर्फ आखिरत में ही मिलेगा, नमाज पढ़ने का फायदा आपको दुनिया के अंदर भी मिलेगा। आप जानते हैं नमाज के फायदे क्या क्या हैं? डॉक्टर लोग बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, योगा की क्या जरूरत। आज मुसलमानों को देखो, डॉक्टरों के पास जाके कह रहे हैं हमें कोई कसरत बता दीजिए, कोई वर्जिश बता दीजिए, और डॉक्टर कहते हैं अरे तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें वर्जिश की और कसरत की क्या जरूरत, तुम्हें तो तुम्हारे इस्लाम ने इतनी बेहतरीन वर्जिश दे दी, तुम्हें तो इतना इतनी बेहतरीन कसरत दे दी है, तुम्हें क्या जरूरत। नहीं, हमें बताइए, अरे इस्लाम ने नमाज बताई, आप इसको पढ़िए, आपको किसी योगा की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको एक बात और बताऊं, जब आदमी नमाजी बन जाता है ना, तो आदमी नमाजी बनने का फायदा यह है कि वो आदमी पाक रहने लगता है, आदमी नापाक नहीं रहता। बताइए नमाजी आदमी नापाक होगा? आदमी पाक रहने लगता है, नमाज का फायदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को पसंद करता है और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। नमाजी आदमी पाक रहने लगा तो अल्लाह उसको पसंद करने लगेगा। तो पहला फायदा तो यह है कि एक्सरसाइज हो जाती है, और दूसरा फायदा यह है कि आदमी पाक रहने लगता है, और तीसरा फायदा यह है नमाज का कि इंसान वक्त का पाबंद बन जाता है। इन सलात कानत अलल मोमिनीन किताबं मौकूता, नमाज को अब उसके मुकर्ररा औकात के अंदर पढ़ो, जो वक्त अल्लाह ने बता दिया उन्हीं औकात में नमाज को पढ़ो। अब जब उनके औकात में आप नमाज को पढ़ेंगे तो अपने कामों को भी उसी तरीके से निपटाएंगे, कहीं मेरी जोहर की नमाज ना निकल जाए, कहीं मेरी असर की नमाज ना निकल जाए, जोहर और असर के बीच में मुझे ये काम करना है, असर और मगरिब के बीच में मुझे ये काम करना है, फिर मगरिब की नमाज पढ़नी है और मगरिब के बाद मुझे ये काम करना है, तो आप वक्त के पाबंद बन जाएंगे। नमाज ने आपको वक्त का पाबंद बना दिया कि आपको कौन कौन सा काम कब करना है, कहीं नमाज ना निकल जाए। इस नमाज की वजह से आप वक्त की पाबंदी करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा जी, आप नमाज के वजह से वक्त के पाबंद बन जाएंगे। आज दुनिया कह रही है कि कामयाबी कैसे मिलेगी, मुअज्जिन पांच वक्त में पुकार पुकार के कहता है हैया अलल फलाह, अगर सच्ची कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के दरबार में आ जाओ, अगर सच्ची कामयाबी चाहते हो तो चले आओ अल्लाह के सामने, चले आओ अल्लाह के पास में आके और अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने अपने सर को रख दो, सजदे करो, कामयाबी मिल जाएगी। दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी नमाज के अंदर है। आज हर इंसान तिजारत करता है, कारोबार करता है, और ख्वाहिश ये होती है कि इस कारोबार के अंदर, इस तिजारत के अंदर उसको घाटा ना लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, ओ लोगो एक तिजारत ऐसी है जिसमें कभी घाटा नहीं लगता, वो तिजारत कौन सी है? इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि वअक़ामुस्सला, नमाज को पढ़ते रहो, तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत है जिसमें घाटा नहीं है। यानी उस नमाज पढ़ने का फायदा जरूर मिलेगा, ये ऐसी तिजारत है जिसमें घाटा नहीं। फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक फायदा आखिरी बता कर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वक्त कम है और बातें बहुत ज्यादा है। नमाजियों के साथ में अल्लाह है, नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है। कुरान करीम उठा कर देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ, اللہ نے فرمایا إِنِّي مَعَكُمْ, میں تمہارے ساتھ ہوں, لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ, جب تم نماز کو قائم کرنے لگو, معلوم یہ ہوا کہ اگر نمازی بن جاؤ تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بتائیے اس سے بڑا اور کیا فائدہ چاہیے آپ کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرف ہوں, میں تمہارے ساتھ میں ہوں, شرط یہ ہے کہ تم نمازی بن جاؤ۔ یہاں تک تو یہ باتیں ہوئی کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے, نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہاں سے میں دو چار باتیں ان لوگوں کے بارے میں بھی کرنا چاہتا ہوں جو بے نمازی ہیں, ورنہ بات ادھوری رہ جائے۔ بے نمازیوں کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا, بین الرجل و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ, آدمی کے اور کفر اور شرک کے درمیان میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر نماز چلی گئی, نماز ہٹ گئی, نماز ختم ہو گئی, تو آدمی کے اور اس کے شرک اور کفر کے درمیان میں کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ یعنی مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں, نماز ہی کی وجہ سے تو فرق ہو رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ, جو آدمی جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے تو اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ کیا کیا جائے, کیا ہو, کہاں جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں, کیسے رہ رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ ہوتا ہے کہ میں اذان کا حکم دوں اور اذان کہی جائے اور اس کے بعد میں لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے, جب اذان ہو جائے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں, میں اپنی جگہ پہ کسی دوسرے کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور میں لوگوں کو یہ حکم دوں کہ لکڑیوں کو اکٹھا کرو, پھر میں جاؤں ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرماتے ہیں, میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ بے نمازیوں کے گھر میں آگ لگا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے بے نمازیوں کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ یہ پیارے نبی کا فرمان ہے۔ اور ذرا غور کیجئے, کل قیامت کا دن ہوگا, قرآن کریم کا 29واں پارہ اٹھا کر دیکھو, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم وترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین جب میدان محشر میں تشریف لائے گا, سارے کے سارے لوگ اسے دیکھ کر سجدے میں چلے جائیں گے, لیکن جو دنیا میں اس کے سامنے سجدے نہیں کرتے تھے, جو بے نمازی تھے, اللہ رب العالمین ان کی پیٹوں کو تخت کی طرح سخت بنا دے گا, تختوں کی طرح سخت کر دے گا, اور وہ سارے کے سارے سجدے میں جانا چاہیں گے تو منہ کے بل زمین سے دھڑام سے گر پڑیں گے۔ اللہ فرماتا ہے, خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی, وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون,
ये वही लोग हैं जब सही तालीम से दुनिया के अंदर इनको जब नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता था तो ये नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते थे, तो जब सही थे तब इन्होंने सजदे न किए, आज इनको सजदा करने के लिए सही नहीं रखा जाएगा। मुसलमानों जरा गौर करो, ये नमाज कहां कहां तुम्हारे काम आ रही है। और एक बात और बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसको गई कहा जाता है। जो पहले लोग थे वो तो नमाजी थे, लेकिन उनके बाद फिर ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाजों को जाये कर दिया। अल्लाह फरमाता है उन सारे के सारे लोगों को गई के अंदर डाल दिया जाएगा, मकाम गई के अंदर फेंक दिया जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी, ये गई कौन सी जगह है, ये गई कौन सा मकाम है जहन्नम के अंदर? प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि मकाम गई जहन्नम के अंदर वो जगह है जहां पर जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाली पीप और जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला खून जाके जमा होता है। जिस जगह पे जहन्नमियों का खून और पीप जाके जमा हो जाती है उस जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर बेनमाजियों को रखेगा, बेनमाजियों को फेंक दिया जाएगा। बताइए, आज हमसे किसी के जिस्म से, किसी के दाने से, किसी के थोड़े से पीप अगर निकल रही हो तो हम पे देखी नहीं जाती, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनमाजियों को उस वादी में डाल देगा जहां पे जहन्नमियों की पीप और खून बह बह कर आ रहा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा जहन्नम के अंदर कि एक आदमी को लिटाया गया और फरिश्ता एक बड़ा सा पत्थर उसके सर पे मारता है जिसकी वजह से उसका सर कुचल जाता है, वो पत्थर दूर जाके गिरता है। फरिश्ता जब उस पत्थर को उठा के लाता है तब तक इस आदमी का सर पहले की तरह सही हो जाता है। फरिश्ता फिर से उसके सर पर वो पत्थर दे मारता है, सर फिर से फट जाता है, कुचल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, ऐ जिब्रील ये कौन आदमी है और किस वजह से इसको ये अज़ाब दिया जा रहा है? फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, ये वो आदमी है जो नमाज नहीं पढ़ता था, वो या नामो अनिस सलातिल मक्तूबा, जब नमाज के लिए अज़ाब दी जाती थी जो ये सोता रहता था, ये पे नमाजी था, नमाज नहीं पढ़ता था। मकाम सही में डाला जा रहा है, खून और पीप की वादी में डाला जा रहा है, पत्थर से सर कुचला जा रहा है और आग के अंदर जलाया जा रहा है। आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब जन्नती लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, जन्नती लोग अपने महलों के अंदर, अपने किलों के अंदर, अपनी उन किलों की और महलों की छतों पे चढ़ेंगे, ऊपर से देखेंगे कि जहन्नमी जहन्नम के अंदर जल रहे हैं, चीखों पुकार मचा रहे हैं, आग का अज़ाब उनके ऊपर हो रहा है, ऊपर से आवाज लगाएंगे, मा सलककुम फी सफर, ओ लोगो तुम जहन्नम में कैसे आ गए, तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज ले आई, किस वजह से तुम्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया गया, किस वजह से तुम जहन्नमी हो गए, मा सलककुम फी सफर, तो जानते हो उनका क्या जवाब होगा, आलू लमना को मिनल मुसल्ली, ओ लोगो हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम बे नमाजी थे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, लमना को मिनल मुसल्ली, इसी वजह से हम आज जहन्नम के अंदर आ गए। बेनमाजियों का यह अंजाम है। मुसलमानों गौर करो और आज से खुद भी नमाजी बनो, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो और उनसे भी नमाज पढ़ाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नमाजी बनाए, और अब तक जो नमाजें छूटी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उन गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अज़ाब से हमें बचाए। आमीन तक़बल या रब्बुल आलमीन। वा आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।